हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जिस प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहा हूँ वो है समय से पहले बालों का सफ़ेद हो जाना। आयुर्वेद में समय से पहले बालों का सफ़ेद होना पित्त के कारण माना जाता है। पित्त हमारे शरीर में क्यों बढ़ता है? ये है अधिक मात्रा में पित्त बढ़ाने वाली चीज़ों का सेवन। जब हम अपने खाने में अधिक उष्ण पदार्थों का या फिर अधिक मसालेदार तीखे चटपटे पदार्थों का सेवन अधिक मात्रा में करते हैं या नमकीन चीज़ों का अधिक सेवन करते हैं तो ये पित्त नेचुरली ही बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त अधिक मात्रा में नॉनवेज खाना खाने से या फिर चाय कॉफ़ी या अल्कोहल का सेवन करने से भी पित्त अधिक मात्रा में बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त अधिक गुस्सा करने से या रात की शिफ्ट में काम करने वाले लोगों में या फिर देर रात तक जागते रहने से या फिर अधिक समय तक टीवी देखने से या कंप्यूटर पर काम करने से भी पित्त की वृद्धि हो जाती है। इस पित्त के बढ़ने के साथ साथ जो है बालों का समय से पहले सफ़ेद होना जो है आमतौर पर देखा जाता है। इस प्रकार से आयुर्वेद में गलत खान पान या गलत लाइफस्टाइल का कारण जो है वो बालों के समय से पहले सफ़ेद होने का एक कारण माना गया है। वही जानते हैं इस अवस्था से कैसे बचा जा सकता है। सबसे पहले है बालों के लिए तिल का सेवन। सिर की मालिश के लिए तिल का तेल सबसे अच्छा माना जाता है। ये आयुर्वेद में उपयोग किए जाने वाले कई प्रकार के औषधीय तेलों का आधार तेल है। इससे स्काल्प और बालों की जड़ों की मालिश करने से सफ़ेद बालों को प्राकृतिक रूप से कम किया जा सकता है। तिल के बीज को भूनकर और सुखाकर खाया भी जा सकता है। दूसरा है भृंगराज का प्रयोग। क्या आप जानते हैं कि भृंगराज को किंग ऑफ हेयर भी कहा जाता है? यह समय से पहले सफेद हो रहे बालों के उपचार के लिए सबसे अच्छे प्राकृतिक उपचारों में से एक है। यह तेल बालों के प्राकृतिक रंग को बहाल करने की प्रक्रिया को तेज करता है तथा साथ ही बालों के रंग को बरकरार रखने, हेयर फॉल रोकने तथा हेयर ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए हेयर पैक के रूप में भी लगाया जा सकता है। तीसरा है आंवले का प्रयोग। ताज़े आंवले के रस के साथ नारियल का तेल मिलाकर सिर की नियमित मसाज करने से बाल सफ़ेद होना बंद हो जाएंगे। यही नहीं, आप चाहें तो अपनी डाइट में आंवले का जूस भी शामिल कर सकते हैं। साथ ही आंवले के पाउडर का हेयर मास्क भी अच्छा रिजल्ट देता है। चौथा है ब्राह्मी का प्रयोग। ब्राह्मी तनाव के इलाज के लिए सबसे अच्छी जड़ी बूटियों में से एक मानी जाती है। यह दिमाग को तेज करती है तथा आयुर्वेद में ट्रैंकुलाइजर के रूप में भी इस्तेमाल की जाती है। तनाव की वजह से बाल ना काफ़ी तेजी से झड़ने लगते हैं बल्कि समय से पहले सफ़ेद होना भी शुरू हो जाते हैं। ब्राह्मी का तेल या फिर उसका पाउडर हेयर मास्क के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। पाँचवा है छाछ और कड़ी पत्ते का प्रयोग। कड़ी पत्ते और एक कप छाछ का पेस्ट तैयार कर लीजिए और इसे अपने स्काल्प पर लगाइए। 30 मिनट के बाद इसे माइल्ड शैम्पू से धो लीजिए। ये भी बालों की सफ़ेदी को रोकने के लिए काफ़ी कारगर सिद्ध होता है। छठा है नारियल के तेल और कड़ी पत्ते का प्रयोग। कड़ी पत्ते का कैल्शियम के प्राकृतिक स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह बालों की जड़ों को पोषण प्रदान करता है तथा मेलानिन का उत्पादन भी करता है। लगभग 100 ग्राम कड़ी पत्ते में 200 मिलीलीटर नारियल का तेल मिलाकर उबाल लीजिए। जब यह ठंडा हो जाए तब इसे छानकर सिर की मालिश करिए। 20 मिनट तक छोड़ने के पश्चात इसे गुनगुने पानी और शैम्पू से धो लीजिए। ये ऊपर जितने भी घरेलू नुस्खे या उपचार बताए गए हैं ये आपके बालों के लिए वरदान साबित होंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। लेकिन इसके लिए आप कृपया किसी एक अच्छे आयुर्वेदिक फिजिशियन से सलाह जरूर लीजिए। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज्ञानप्रद होगी और आपको इससे फायदा हो सकता है। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए या और अपडेट्स के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर अमित महाजन आयुर्वेदा और हमारे फेसबुक पेज डॉक्टर अमित महाजन आयुर्वेदा के ऊपर जाकर उसको लाइक और शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।